तो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। एंड आज है हमारा चेकआउट। यहाँ से निकलते हैं। आज हमारी जो जर्नी रहेगी यहाँ से रहेगी मेरठ के लिए, एंड वो कैसे रहेगी वो आप लोगों को मैं रास्ते में दिखाता हूँ। अभी जो सबसे पहला काम है वो है हमारा एटीएम से अमाउंट निकालना, और एटीएम से अमाउंट निकालने के हमें इधर जाना है। 2 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो जल्दी से जाके एटीएम से पैसे निकालते हैं। तो ले गया था गाइस, एंड अब यहाँ से निकल रहे हैं सीधा एयरपोर्ट के लिए। तो पहुँचते जल्दी से एयरपोर्ट, एंड आप लोगों को आज मैं बताता हूँ कि कैसे कैसे क्या 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 चीज़ प्रोसीजर में होती है। तो सीधा मिलते हैं एयरपोर्ट पर। एयरपोर्ट पे आ गए, एंड ये है एयरपोर्ट। यहाँ चलिए चेकिंग देख लो। एंड एंटर करने के लिए जो हमें डॉक्यूमेंट चाहिए, एक तो हमारा अगर हम डोमेस्टिक में कर रहे हैं तो उसमें हमें एक तो हमारा टिकट चाहिए। टिकट या तो फोटोकॉपी हो या फिर जीमेल पे दिखा सकते हो, एंड एक आईडी। तो गाइस अभी हमें पता लगा हमें जाना टर्मिनल 2 में, जैसा टिकट में था अभी। तो यहाँ से जा रही है बस, एंड इस यहाँ से टैक्सी भी जाती है। तो अभी फ़िलहाल बस में बैठते हैं, यहाँ से निकलते हैं। फाइनली अभी बस में बैठ गए हैं, एंड यहाँ से अभी हमारी बस निकलेगी। एंड ये क्या साउथ अफ्रीका में कुछ लोग आ रहे हैं, साउथ अफ्रीका से कुछ लोग आ रहे हैं इसी बस में। गाइस फाइनली टर्मिनल 2 के पास पहुँच गए हैं, एंड देखो सामने की तरफ खड़ी फ्लाइट्स, एंड टर्मिनल 2 भी आ गया। गाइस ये है टर्मिनल 2, एंड ये आप लोगों ने रील्स में बहुत देखी होगी क्योंकि यहाँ पे सभी एक्टर्स आते हैं। अभी एयरपोर्ट पर आ गए हैं, यहाँ से सामने से कराते हैं चेक इन। एंड बहुत सारे सवाल होते हैं जब हम किसी फ्लाइट में फर्स्ट टाइम ट्रैवलिंग करते हैं, तो वो मैं आपको अंदर पहुँच के बताता हूँ बैठ के। एयरपोर्ट पे सबसे पहला सवाल कि हमें अंदर कहाँ से जाना है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले अपना टिकट देखना होगा। उस पर लिखा होगा टर्मिनल 1 या टर्मिनल 2, तो टर्मिनल 2 में जाना है 1 में। जैसे मुझे जाना है 2 में, तो 2 में जाने के बाद हमें कौन से गेट पे जाना है, यहाँ पे गेट नंबर लिखे होते हैं ऊपर, जैसे लिखा है 5, 6, 7 आगे तक है। तो इसमें मुझे जो जाना है वो जाना है 6 में। मेरे इसमें टिकट में लिखा हुआ है E6, तो हम पहले जाएंगे E6 में। इंडिगो मेरी फ्लाइट है, तो यहाँ से पहले एंटर करते हैं इंडिगो के लिए। चलिए हमारा हो गया चेक इन, अब हमें जाना है यहाँ से सेकंड पॉइंट जो है हमारा, वो हम देखते हैं कहाँ जाना है। करने के बाद आता है सेकंड नंबर बोर्डिंग कार्ड का, तो बोर्डिंग कार्ड लेते हैं यहाँ से, एंड वो अपनी फ्लाइट वाले उससे लेना है काउंटर से। तो अंदर चलते हैं, ये अपना बोर्डिंग कार्ड मिल गया है, एंड यहाँ से हमें जो जाना है गेट नंबर 45C2 पर जाना है। तो चलते हैं सीधा और आगे देखते हैं क्या क्या करना पड़ेगा। एंड हमारा लगेज का जो वेट था वो तो 6 पॉइंट कुछ kg था, करना है हमें। एंड यहाँ पे अपना बोर्डिंग कार्ड से स्कैन करा के फिर आगे निकलना है। अभी हो गए, ये ना स्कैन कराना पड़ता है यहाँ पे, एंड स्कैन करा के आप अंदर आ जाओगे। तो अभी हम जाते देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, वो आप लोगों को बताऊँगा। फर्स्ट एक्सपीरियंस, पहली बार जा रहा हूँ तो इसलिए पता भी नहीं क्या क्या करना है। गाइस अभी जो हमने सबसे पहला स्टेप था वो चेक इन था, चेक इन के बाद बोर्डिंग पास, बोर्डिंग पास के बाद हमें कराना है बोर्डिंग पास से चेक इन, दोबारा स्कैन करा कर एंटर होना, एंटर होने के बाद लगाना है लगेज चेक कराने के लिए। तो यहाँ पे लगेज चेकिंग चल रही है, लगेज चेकिंग के बाद देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा। इस सामने की तरफ हो गया हमारा बैग चेक, एंड अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा देखते हैं। बोर्डिंग ऑफ, नेक्स्ट स्टेप है हमारा इमिग्रेशन का, तो इमिग्रेशन पर चेक इन करते हैं। चेक इन भी हो गया गाइस, एंड बहुत इजी है, बारकोड को स्कैन करो एंड आ जाओ। एंड मैं थोड़ा सा नर्वस हो रहा था बट अब नहीं, काफ़ी हद तक आ गया। तो चलते हैं नीचे की तरफ। ये है एयरपोर्ट के अंदर का सीन, एंड आई लव मुंबई। यहाँ पे काफ़ी सुंदर है, अभी तो हमारे पास वैसे टाइम है तो हम वेट कर सकते हैं। ऑर्डर की थी जिसमें हमारा है वेज पफ एंड चाय, एंड ये पता है कितने का, ये है 240 रुपये, बहुत महंगा है यार। पर क्या करें, खाना पड़ेगा क्योंकि फ्लाइट टाइम हमारा काफ़ी लेट है, तो जल्दी से खाते हैं ना फिर देखते हैं क्या सीन बनेंगे। क्योंकि ये आया है महिंद्रा का इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक स्पोर्ट, क्या नाम है इसका, XUV 400 इलेक्ट्रिक। ऐसा कुछ इसका इंटीरियर है। और अभी चलते हैं आगे की तरफ, हमारा इधर है 45 के लिए लेफ्ट स्ट्रेट जाना है इधर। तो गाइस कितना सुंदर आर्ट किया हुआ है अंदर की तरफ ना, डिज़ाइन यार आगे भी बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है, ये देखो। एंड इधर खड़ी है सभी फ्लाइट्स, तो अभी 43 आ गया, 45 पे हमें जाना है। ये आगे नीचे जहाँ से हमारी एंट्री होगी फ्लाइट के लिए, एंड ये देखो यहाँ पर कितनी भीड़ है दिल्ली जाने वाले के लिए, एंड हमें जाना है 45C पे। तो अभी हमारा टाइम है यहाँ से निकलने के लिए, तो वेट करते हैं यहाँ पे। एंड अभी जब तक हमारे पास टाइम है तो यहाँ पर मैं घूम रहा हूँ, एंड मैं हूँ लॉन्च के पास। ये है अडानी लॉन्च, जो इसमें हम जाए, इसमें वही इंसान जा सकता है जिसका फर्स्ट क्लास
एंड प्रीमियम एंड बिजनेस क्लास टिकट होगा, वहीं इसमें एंटर कर सकते हैं। बाकी एक और लॉन्च है यहाँ पे, लॉन्च है तो वो आपको दिखाता हूँ, जिसमें है इकोनॉमी क्लास का बंदा जा सकता है, तो चलते हैं। लॉन्च है जिसका नाम है लॉयल्टी लॉन्च, इसके अंदर देखते हैं क्या सिस्टम है जाने का, तो आप लोगों को अंदर जाके बताता हूँ यहाँ पे क्या क्या चीज़ हमें पे करनी होगी। तो गाइज, अगर आप लोगों को लॉन्च में अंदर जाना है तो आपके पास रुपए कार्ड नहीं होना चाहिए, वीज़ा कार्ड होना चाहिए या फिर क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। मेरे पास रुपए कार्ड थे, दोनों ही रुपए कार्ड थे, दैट्स व्हाई मैं अंदर नहीं जा पाया। तो अभी हमारी फ़्लाइट का टाइम है 2 घंटे, तो वेट करते हैं एंड सीधा आप लोगों को फ़्लाइट के टाइम पर मिलते हैं। टाइम हो गया एंड अभी हम जाने हैं इस बस से जाएंगे सीधा फ्लाइट पर, तो जल्दी से बैठते हैं इसमें। कुछ सीट्स हैं, कुछ स्पेस फ्री है खड़े होने के लिए, एक बस यहाँ आई है तो ज़्यादा बढ़िया है। सामने की तरफ देखते हैं किधर जाना है अभी हमें, हमारी फ्लाइट किधर मिलेगी किधर नहीं। अपने एयरप्लेन के पास आ गए हैं, ये है सामने की तरफ फ्लाइट अपनी, एंड इधर से चढ़ना है तो लाइन लग गई है, जल्दी से लगते लाइन में। तो है इंजन एरोप्लेन का, ये फ्लाइट हमारी सामने की तरफ भैया बैठे हैं हमारे। सीट नंबर हमारी है F30। ये अपनी फ्लाइट एंड अपनी सीट पर बैठ गए, विंडो सीट ली थी हमने, तो यहाँ से कुछ ऐसा व्यू दिख रहा है। बाकी आप लोगों को उड़ते वक्त दिखाते हैं व्यूज यहाँ से। उसके ऊपर ध्यान रहे कि निकटतम द्वार आपके पीछे भी हो सकता है। विमान के पानी में लैंड करने की अस्त करें। रक्षा जैकेट को खुलाने के लिए लाल टैब्स या टैब को ऐसे खींचें, और अधिक खुलाने के लिए गाइस अभी निकल रहे हैं बाहर की तरफ एंड देखते हैं बाहर निकलने में कोई फॉर्मेलिटी होती है या फिर डायरेक्ट बाहर निकल जाएंगे। तो गाइस बाहर निकलने में कुछ भी फॉर्मेलिटी नहीं करनी पड़ती है, डायरेक्ट बाहर आ जाते हैं। अभी आ गए हम बाहर एंड अभी यहाँ से पकड़ेंगे हम मेट्रो घर जाने के लिए। अभी जा रहे हैं येलो लाइन की तरफ एंड एक मेट्रो हमने ले ली है, और हमें जो चेंज करनी है 3 लाइन चेंज करनी है, जिसमें कि एक हमने कर ली, सेकेंड पर जा रहे हैं एंड थर्ड वाली हमें हमारे उस पर आ रही है लोकेशन पर, तो जल्दी से चलते हैं। खाने के लिए कुछ ले लेता, भूख लग रही थी क्योंकि फाइनली मेट्रो में आ गए थे एंड अभी यहाँ से मैं जो उतरना है वो उतरना वैशाली। तो गाइस अभी आ गए थे वैशाली बस स्टैंड के बाहर एंड यहाँ से अभी हमें लेनी है बस मेरठ के लिए, तो मेरठ की बस में बैठते हैं, वेट कर रहे हैं यहाँ पर काफ़ी लोग, बाकी बस देखते हैं बस आएगी नहीं आएगी। अभी जिस गाड़ी से जा रहे थे हम उसमें ट्रैक्टर वाले ने टक्कर मार दी, ट्रैक्टर वाला है आगे की तरफ ये और गाड़ी वाला भाई गया हुआ है एंड गाड़ी में देखो ये इस तरीके यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है इसका। तो अभी यहाँ से अभी देखते हैं क्या डील होती है इनकी इन लोगों की, फिर यहाँ से निकलेंगे सीधा घर की तरफ एंड मेरठ ऑलमोस्ट पहुँच ही गया मैं। यहाँ देखो यहाँ चल रहा है कि क्यों तूने तू तेरा ध्यान गया था मारा था, तो वही चल रहा है ITC। देखते अभी फिर यहाँ से निकलते सीधा मेरठ एंड आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा कैसा नहीं है जरूर कमेंट करके बता देना एंड इस ब्लॉग को बस यहीं पे एंड करते हैं। लाइक कमेंट सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, शेयर भी
एंड सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर दबा देना। बस आज के व्लॉग में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।